नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बिहार में युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बिहार के युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी ने वर्तमान सरकार के नीति की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार के सभी सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। मेरे साथ जुड़ रहे हैं युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश कुमार चौधरी जी, जो एक अच्छे युवा के नेता हैं, अच्छा सोच रखने वाले हैं, अच्छा इनका जो विचार है गरीब मजदूर सभी लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा इनका सोच है। तो आइए हम उस व्यक्ति से आपको मिलाते हैं और उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपको सबसे पहले एस बी एन न्यूज चैनल पर। मैं एस बी एन न्यूज के सभी दर्शक एवं हमारे जो भी साथी इस न्यूज को देख रहे हैं, मैं सबसे पहले एक संदेश देना चाहता हूं कि मैं युवा क्रांतिकारी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, आपके भाई होने के नाते, मैं एक गरीब शोषित किसान मजदूर वर्ग के एक छोटा सा एक कार्यकर्ता के रूप में अपने समाज के लिए काम करने के लिए आया हूँ। हमारी तमन्ना, हमारी विश्वास आप हैं। अगर आप एसबीएन न्यूज के माध्यम से हमारी न्यूज को, इस आवाज़ को सुनिएगा तो आपको वही दर्द नजर आएगा जो आज़ादी के लिए भगत सिंह का दर्द, जो दर्द मरते मरते हर एक किसान ने कह गया कि मुझे वो हासिल होने वाला है कि हमें नमक रोटी, हमें पक्का मकान, हमें वो सुविधा मिलेगा जो मेरे बच्चे को शिक्षा मिलेगा। लेकिन आज़ादी से लेकर आज तक के वर्तमान सरकारों ने हमारे साथ में विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं किया। यही मेरा एक लक्ष्य है, मेरा संकल्प है कि मैं एक मजदूर वर्ग का बच्चा हर वक्त यही कहूँगा कि मुझे पूर्णतः आज़ादी कैसे मिला, जब मुझे हक नहीं मिला, मुझे उचित शिक्षा नहीं मिला, मुझे स्वास्थ्य व्यवस्था का दौर से नहीं गुजरना पड़ता है, हमें पेट में दर्द भी होता है तो मुझे पीएमसीएच में भर्ती होना पड़ता है, मुझे गांव में वो हॉस्पिटल नहीं है, मेरे गांव में वो व्यवस्था नहीं है। और इस सब का जिम्मेवार यही वो सत्ते के गलियारे में रहने वाले व्यक्ति हैं जो हम लोगों के लिए दुख के अलावा, जुर्म के अलावा, अत्याचार के अलावा और दिए क्या लोग वैसे ही नहीं, आतंकवादी वैसे ही नहीं माओवादी बन जाते हैं, दुख और पीड़ा के साथ बनते हैं। उनकी पीड़ा ये है कि आप उनके अपने राज्य में रहते हुए, इस देश में आज़ाद भारत में रहते हुए उन्हें आप कहते हैं कभी प्रवासी हो तो कभी बिहारी करके अपमानित करते हैं, कभी जाति सूचक करके अपमानित करते हैं। क्या किसान की कोई जात है? क्या गरीबी की कोई जात है? क्या हमारी मजबूरी की कोई जात है? हम पढ़ने के लिए जाते हैं क्योंकि विद्यालय में जाने के बाद मुझे विद्यार्थी कहा जाता है, मुझे जात कहाँ कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें वो इतिहास, मुझे वो संविधान दिया, संविधान में ये नहीं लिखा हुआ था कि एक जाति बनाने वाले व्यक्ति के लिए संविधान में, वो कहे थे कि गरीब कमजोर जो भी हिंदुस्तान के एक एक बच्चा के लिए संविधान है, वो ये नहीं कह गए थे कि मैं जिस जात से हूँ उसके लिए संविधान बना हुआ है। जो आज संविधान देने वाले व्यक्ति, उनको कौन सा आरक्षण दिया गया था कि वो पढ़ लिख के उतने जगह पर व्यक्ति में हूँ? इस चीज का इसलिए मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ, लोग बार बार दोहराई देता है कि आरक्षण पर पढ़ने वाले व्यक्ति यहाँ तक पहुँच जाते हैं नौकरी और चाकरी में। गलत। इंसान अगर मेहनत करेगा, अगर इंसान पढ़ेगा लिखेगा, अगर इंसान को, अगर गरीब, अगर किसान मजदूर गाँव के घर के गरीब लोगों को भी अगर उचित शिक्षा मिलेगा तो वो भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और दोबारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनेगा, वो इतिहास रचेगा। अच्छा, तो सर, जो अभी देश का जो स्थिति है, जो हालात है,
एक तो कोरोना ने जिस तरीके से हमारे देश पे कहर बरसाया, इसमें जो स्थिति देश का हुआ, जिसमें वित्तीय घाटा कहिए, मतलब काफ़ी नुकसान हुआ है। कोरोना ने जिस तरीके से देश पे कहर बरसाया है, उसके बाद अभी जो देश का हालात है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल या किसी सरकार पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि मुझे करने में अच्छा मन लगता है। मुझे दुख पीड़ा क्योंकि मैं सह रहा हूँ दुख पीड़ा। मेरे साथी आज बहुत ऐसे साथी हैं जो कोरोना महामारी में वहाँ से पांव पैदल आए हैं, दिल्ली और मुंबई से जी। मुझे वो दर्द झेलना पड़ा है, मुझे वो दर्द झेलना पड़ा है कि मेरे भाई 10 दिन और 15 दिन एक बंद कमरे में दिल्ली और मुंबई में रह गया। वहाँ की वर्तमान सरकार ने उसे कहा कि तुम प्रवासी हो, तुम जा सकते हो यहाँ से, तुम्हें जाना पड़ेगा। उन्हें मजबूर कर दिया, उन्हें यातना दिया गया। उसके लिए क्या आप हमें बताइए कि आज़ाद भारत में जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, क्या एक व्यक्ति के लिए, क्या एक राज्य के लिए वो मुख्यमंत्री बन के रह जाता है, एक राज्य के लिए केंद्र सरकार बन के रह जाता है? अगर ऐसा है तो मैं कहता हूँ ये किसान मजदूर और नौजवानों की सरकार नहीं है, ये देश हित की सरकार नहीं है, ये देश हित की इनकी कानून नहीं है, ये एक तरह से गरीब विरोधी नीति की सरकार चल रही है। मैं इस सरकार के नीति का घोर निंदा करता हूँ। नहीं तो आपने जो कहा कि जो खाने के लिए मर रहे हैं, अगर सरकार से ये बात पूछ रहे हैं तो सरकार आपको ये कहेगा कि जिस तरीके से कोरोना ने कर बढ़ाया, लॉकडाउन हुआ, हमने गरीब मजदूर के लिए व्यवस्था कर दिया, 1,000 रुपया दिया, 5 किलो अनाज दिया, महिला लोगों को 500 रुपया दिया, जैसे आपने बोला, सरकार इस पर पलटवार कर सकता, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको और ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या 5 किलो से 5 किलो जो आप गरीब मजदूर को अनाज दे रहे हैं, क्या उससे पेट भर जाएगा 1 महीना? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे मजदूर, हमारे गरीब भाई हर वक्त कहते हैं कि मुझे खराब न दो, खराब न दो, बिल्कुल ये मेरी हक है। जिस रिलीफ की बात कर रहे हो, वो बार बार केंद्र सरकार के मंत्री और विधायक बार बार एक संकल्प पत्र लेके वो आते हैं, जनता को भी बांट बांट के ये बता रहे हैं कि मैं आपको स्वास्थ्य बीमा दिया, मैं आपको 5 किलो अनाज दिया, मैं आपको 500 रुपया और 1,000 रुपया दिया। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो भी उनके जेब तक ही रह जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये तीनों चीज का इन्होंने विश्वासघात किया, इन्होंने गला घोट दिया मजदूरों का। अब हमको बताइए कौन सी यह योजना है भारत सरकार और बिहार सरकार का जिसमें ये बगैर कमीशन लिए हुए मुझे योजना का लाभ देते हैं? बिल्कुल, ये आपका कहना ये बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी काम कराने के लिए जाता है तो उसमें पहले चाहिए कमीशन चाहिए। अच्छा, और गरीब गरीबों को कह देता है कि बाबू साहब को पहले 20,000 दे दो, बाबू साहब को पहले 25,000 दे दो। सरकार बनने से पहले सभी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो गरीबी खत्म, हमारी अगर सरकार बनी तो बेरोजगारी खत्म, तो जनता बिल्कुल विश्वास करके वोट करती है। जो भी जिनको भी अगर देती है जनता वोट, तो बहुत विश्वास के साथ वो वोट देती है कि हम इस प्रतिनिधि को हम वोट दे रहे हैं, ये हमारे उत्थान के लिए सोचेगा। लेकिन जैसे ही उनको वो जगह मिला, कुर्सी मिली, बेरोजगारी की बातें ख़त्म, उसके बाद जो गरीबी है, गरीबी की बात ख़त्म, मतलब जो गरीबी के लिए सोच रहे थे इलेक्शन से पहले, वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, और वो गरीब के लिए सोचना ही बंद कर देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप बहुत देर से आपने गरीब की बातें किया जी, और आपकी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, अगर आपकी पार्टी की विजय हुई, जीती जी, तो जो जनता ने विश्वास करके वोट करता है, क्या उसी ढंग का आपका भी मनोभ हो जाएगा या उससे बिल्कुल हटके रहेगा? जी, मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से मैं यह एक तरह से
संकल्पित शब्द में बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं सोशल साइट और आज आपके न्यूज चैनल पर बोल रहा हूँ। मेरा एक भी सिपाही अगर बिहार के सदन में चला गया तो गरीब आयोग बना के रहेगा। हर एक गांव में जब तक हॉस्पिटल नहीं बनेगा, अच्छा, जब तक हर एक गांव में विद्यालय का स्थापना नहीं होगा, जब तक मजदूर का बच्चा राजधानी पटना तक नहीं पहुंच पाएगा, तब तक उस संविधान की शपथ की जो प्रक्रिया है, उस संविधान की दुहाई जो है, तो बिहार सरकार के उस सदन में तब तक हार, क्योंकि मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान का शपथ दिलाया जाता है, मुझे किसी मनगरी कहानी का शपथ नहीं दिलाया जाता है। अच्छा, इसीलिए मैं किसी जाति समुदाय का संविधान से नहीं बिलोंग करता हूं। मैं एक परंपरागत, मैं एक मानव के द्वारा, जिस मानव ने लोगों को जीवन जीना सिखाया है, जिस मानव ने लोगों को एक जिंदगी दिया है, जो एक मानव की अपने आप को एक कर्म करने का धर्म और कर्म का एक बात समझाया है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समझाया है। आप हमें बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी कहा है मुझे कि फ्री का दाना ले लीजिए? बिल्कुल, या कहीं पर किसी पर कि जगह पर जाके आप किसी से भीख मांग लीजिए? नहीं कहा है। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं भीख मांगने पर, आप मुझे गुंडा मवाली बनने पर मजबूर कर रहे हैं जी। मेरी बहू बेटी और मेरी महन और मेरी माँ को चीरहरनाप कर रहे हैं, संविधान नहीं किया है मुझे। अगर रोजगार अगर मिल जाए हर एक युवा को तो गुंडा नहीं बन सकता है, गलत नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा ये भी है युवा लोग के लिए रोजगार की, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, क्योंकि आप जानते हैं कि आजादी में के बाद जो फैक्ट्री मुझे मिला उसे चंद गद्दार की पार्टी और चंद गद्दार का सरकार और चंद गद्दार की सोच ने उसे मिटा दिया।